खानों को मेरी जानिब से बहुत सारा सलाम, दुआएं और मेरे बच्चों को बहुत ज़्यादा प्यार। और सुनाएं आप लोग कैसे हैं? अल्लाह पाक का शुक्र है, माशाल्लाह से हम लोग बिल्कुल ठीक ठाक हैं। तो आज मैं बनाने लगी हूँ चिकन कढ़ाई, पेशावरी चिकन कढ़ाई, तो आपके साथ शेयर करूँगी, तो आप मेरे साथ साथ रहिएगा। तो फिर चलें, फिर पहले नमाज़ पढ़ते हैं और फिर अपना काम शुरू करते हैं। चलें, ये है चिकन जो मैंने माशाल्लाह से अच्छी तरह धो के वाश करके रख ली है, और फ्रीज़र में रखी हुई थी तो पानी में रखी तो एकदम अलग अलग हो गया ना गोश्त। और ये है पेशावरी कढ़ाई, इसकी बनाऊंगी, पहले भी एक बार बनाई थी, माशाल्लाह बहुत मज़ेदार बनी थी, अब फिर बना रही हूँ आज। इसमें दो साशे, एक साशे ये है साबुत और एक ये है थोड़ा सा यूज़ किया हुआ है, तो बस ये डालूँगी, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो डालूँगी। और ये है दही माशाल्लाह से एक पाव के करीब, इसको मैंने फेंट लिया है, तो साथ में लहसुन से पेस्ट भी डालूँगी। तो अभी डाल लेते हैं बिस्मिल्लाह रहमान रहीम मसाला, साथ में डाल लेते हैं दही, साथ में डाल लेती हूँ लहसुन का पेस्ट और फिर इसको मिक्स कर लेती हूँ। मिक्स करके मैं थोड़ी देर के लिए, आधा घंटे के लिए रखूँ, फिर उसके बाद बनाऊँगी। ये है लहसुन अदरक का पेस्ट, ये भी डाल दूँगी। इसमें डाल मानी रही, अच्छी तरह हाथ मैंने वॉश किए, मैं हाथ से मिक्स करके तो रख देती हूँ। चलो फिर साथ में बना रही हूँ मैं ये वो तैयार मंगाए थे ना समोसे वगैरह, तो वो बना रही हूँ। ये समोसे ही हैं बने हुए, चीज़ के बने हुए, तो ये चाय का टाइम है, चाय बना रही हूँ, साथ में ये बना रही हूँ सबके लिए। सब घर वालों के लिए बना रही, चाय भी बनाऊँ साथ में ये भी बना रही। ये भी समोसे ही हैं, समोसों की तरह ही बने हुए, लंबे लंबे कोन की शक्ल में बने हुए, मतलब इसमें चीज़ मिला हुआ है ना, मसाला और चीज़। तो ये भी तैयार कर लेते हैं, फिर दिखाती हूँ आपको, और चाय भी बनाती हूँ। और एक ये चीज़ है, ये लगा नहीं क्या इतना बड़ा माशाल्लाह से पूरा समोसे की तरह बना हुआ, लेकिन है बहुत बड़ा, तो फ्राई पैन में पूरा भी आता है। बिस्मिल्लाह, ये पता नहीं क्या इतना बड़ा, ऐसा लग रहा है समोसा इतना बड़ा, लेकिन कोई चीज़ है ना बनी हुई, ये भी चीज़ का बना हुआ। चाय भी बन गया, ये चाय बन रही है, देख सकते हैं माशाल्लाह से। इसको हल्की कर देती हूँ आज, अंदर से कच्चा रह जाएगा। चाय भी बनी हमारी, उसको ना पलट देते हैं, हल्की आंच पे रख दिया, हल्की आंच पे अच्छी तरह बने, ये तो अंदर से कच्चा रह जाएगा, ऊपर से जल जाएगा नीचे से। हाँ हाँ, आग लगता है, बिल्कुल बंद हो गई है, ऊपर से जल जाएगा, बीच में से कच्चा रह जाएगा, हल्की आंच पे पकना रहे, पकता रहे। Look.
थोड़ा और डाल देती हूँ। वो जो बनाए ना मैंने कोन वाले समोसे वो सारे उकड़ा उठा के ऊपर ले गई हूँ। मैंने कहा आप ले जाओ फिर चाय बन जाती, चाय भी ले जाना। एक चीज़ बहुत छोड़ के चली गई है, कह रही मम्मा ये आप खा लें, ये बहुत बड़ा, ये भी हाफ हाफ करके खाएंगे, बहुत बड़ा है। चाय माशाल्लाह से बन के देंगे, कितनी मज़ेदार बनी जाए। तो बॉयल आ गया, चाय बन गई, चाय होगी तैयार। मक्के में डाल देते हैं, आज मैंने सारे बना दिए। मैंने कहा बना देती हूँ सारे, भूख लगी थी, मैंने समझ ये भी बना दिया। इतना बड़ा पता नहीं ये क्या चीज़ है, ये भी बना देती हूँ सब खा ले। ये भी चीज़ इसके अंदर भी लाइट हमारी आ चुकी है। तो ये बना रही हूँ मैं दही की लस्सी, मीठी लस्सी। तो मैं इस तरह मतलब ढक लेती हूँ, उसमें डाल दूँगी पानी, ठंडा पानी। ये लस्सी वाली वो है डिश है जिसमें से मैंने दही निकाला है। तो बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, तो ये बन गई मीठी लस्सी, बहुत ही मज़ेदार होती है। गर्मियों में पीनी चाहिए ना, मैं देखी गर्मी वगैरह पानी लगती हूँ। वैसे तो मैं सबने चाय पी है, मैंने अपने बेटे के लिए बनाई, मैं भी पीऊँगी, मुझे भी पसंद है। तो चले फिर, और अभी बनाना शुरू करती हूँ सालन, क्योंकि आधे घंटे से ज़्यादा हो गया, लाइट हमारी आ चुकी है। तो चले फिर बनाना, प्याज काट लेती हूँ फिर सालन बनाती हूँ। अब से पहले मैंने शैतानी जी इसमें नरमान रहेंगे, ऑयल बेचकर मैंने ऊपर रख दिया है, ऑयल डाल दिया, ढाई चम्मच ऑयल डाला है। और ये मैंने प्याज काट लिए, दो अदद बड़े प्याज भी डाल देते हैं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, और ऐसे पूरा होगा और अगर जरूरत पड़ेगी तो डाल। ये ऑलिव ऑयल है ना, ये बहुत चिकनाहट होती है। इसमें मैंने आपको पहले ही बताया कि दूसरे ऑयल का एक चम्मच डाल देना, तो ये दो चम्मच के बराबर है, तो दो चम्मच डालो और ये एक चम्मच बराबर। ब्राउन होने वाले बिल्कुल, आग कर देते हैं थोड़ी हल्की, जल ना जाए।
हूँ। प्याज ब्राउन हो चुका है, मैंने डाल दिया इसमें वो चिकन जो मैंने मैरिनेट करके रखा हुआ था, और देखिए मैं जो लगा हुआ था थोड़ा सा दही उसमें भी हल्का थोड़ा सा पानी डाल के वो भी डाल दिया। तब इसको मैं ढक्कन दे के रख दूँगी दरमियानी आँच पे, तो फिर ये दही के पानी में गल जाएगा। जब इस पानी सूख जाएगा इसको फ्राई कर लूँगी, भून लूँगी, और भुनाई करने के बाद जितना मैं चाहूँगी उतना मैं शोरबा रख लूँगी मतलब ग्रेवी। तो ठीक है, फिर इसको ढक्कन से ढक देती हूँ। लाते हैं चम्मच और यहाँ काट लिए मैंने आलू, ये भी डाल देती हूँ क्योंकि बच्चों को बहुत पसंद है एक तरह लोकम बर लोकम। तो वैसे मैं डालती नहीं लेकिन मैं डालने लगी हूँ, मेरे को पसंद है इसलिए। तो 1 kg चिकन है और 1/2 kg मैंने आलू डाल रही हूँ। आलू मैंने धो के वाश कर लिए, इसमें डाल दिया मैंने, साथ में डाल दूँगी 2 से 3 हरी मिर्चें। अब इसके पानी सूखने वाले पर इसकी करूँगी बनाई, फिर आपसे मिलती हूँ। तो मेरा पानी सूख चुका है, नीम डाल दी मैंने हरी मिर्चें, इसके आलू भी डाल दिए, इसकी कर लेते हैं भुनाई, फिर डाल देते हैं पानी जितना हमने रखना है। कभी कभी बिल्कुल मैं सुखा देती हूँ तो फिर वो खाया ही नहीं जाता, तो इतना तो होना कि मतलब ग्रेवी के इंसान रोटी लगा के खा सके। चले आप देखते हैं बनाई कर लेती हूँ, फिर पानी डाल देती हूँ, अच्छी तरह बनाई करते हैं इसकी। तो आप देख सकते हैं माशाल्लाह से अच्छी तरह मैंने बनाई कर ली है, और 1 चम्मच भर के और ऑयल का डाला है, समझे 3 चम्मच या 1/2 चम्मच, 3.5 चम्मच डाले हैं। ये जो कौरमा होता है ना, कढ़ाइयाँ कौरमे वगैरह, इनमें ऑयल बहुत ज़्यादा जाता है। माशाल्लाह से भुनाई मैंने अच्छी तरह कर ली, आप देख सकते हैं, तो और भून लेती हूँ माशाल्लाह से अच्छी तरह, फिर बस हसवे ज़रूरत पानी डाल देती हूँ। और इससे कट हो चुका है, डाल देते हैं इसमें पानी हसने ज़रूरत, इसमें बर्फ मान रही हूँ। तो इसमें पानी बहुत होगा, ये थोड़ी देर पकेगा और जब ये सूख जाएगा तो इसको बंद कर दें, इतना पानी बहुत है। इसमें सूख भी जाएगा तब हाफ रह जाएगा, फिर बंद कर दूंगी। चलिए इसको ढक देते हैं ढक्कन से। जैसे कि आप देख सकते हैं चिकन हमारी हो चुकी है तैयार, बिस्मिल्लाह मान रही हूँ। आलू भी गल चुके हैं, पेशावरी चिकन कढ़ाई तो ये हो चुकी है तैयार, बस बिल्कुल बराए नाम देखें वो है मतलब ग्रेवी है, चोखा वगैरह कुछ भी नहीं है। मैंने बोला पहले, हाँ जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि आलू में नहीं डालती ना, ना कोरमे में ना कढ़ाई में, लेकिन बच्चों को पसंद है, जैसे इकरा को अंबर को बहुत ज़्यादा पसंद है, रमशा को, इसलिए मैंने डाले आलू। चलो मैं इसको कर देती हूँ, फ्लेम को कर देती हूँ बंद और प्लेट में करती हूँ डिश आउट और आपको दिखाती हूँ।
मुझे दे रही कि नहीं दे रही है। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने डिश आउट कर लिया, प्लेट में निकाल लिया। चलिए फिर अब खाना सर्व कर दे सकते हैं। तो जैसे कि आपने देखा कि मैंने माशाल्लाह से पेशावरी चिकन कढ़ाई तैयार कर ली और आपके साथ शेयर भी की और खाना तैयार हो चुका है माशाल्लाह से, सबको खाना भी सर्व कर दिया। तो अब मैं चाहूँगी आपसे इजाज़त और अपना अपने प्यारों का रखें ख्याल। मिलती हूँ किसी नए व्लॉग में किसी नए रेस्टोरेंट की रूटीन के साथ, उस वक्त के लिए इजाज़त चाहूँगी और अल्लाह पाक से यही दुआ करती हूँ कि अल्लाह खुदा करे जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। अल्लाह ना करे कि कभी कोई गम कोई दुख कोई तकलीफ आपकी ज़िंदगी में आए, आमीन सुम्मा आमीन। और अल्लाह पाक हम सबको हमेशा हमेशा अपने हिफ्ज़-ओ-अमान अपनी हिफाजत में सायम रखे, आमीन सुम्मा आमीन। और अल्लाह पाक अपने मोहताज रखे। इसी में अक्सर मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।